नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ चंद्र ओझा। श्री गंगानगर में किसानों का गंगा सिंह चौक पर पड़ाव। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। 13 मई से 20 मई तक गंग नहर में प्रस्तावित बंदी रद्द करने की मांग। श्री गंगानगर में आज किसानों का प्रशासन ठप करने का ऐलान। गंगा सिंह चौक पर पड़ाव पर भारी संख्या में किसान एकत्रित होने के आसार। AKIS केंद्रीय काउंसलिंग सदस्य कामरेड शपथ मेघवाल ने किया जनसंपर्क। सैकड़ों किसानों द्वारा देर रात तक जीवी क्षेत्र में किया गया जनसंपर्क। श्री विजयनगर क्षेत्र में 41 जीवी 40 जीवी सहित अनेक गांवों में किसानों ने जनसंपर्क किया। बढ़ाई गई जिला कलेक्टर पर सुरक्षा व्यवस्था, लगे बैरिकेटेड्स। 13 तारीख को सुख किसान मोर्चे ने जो गंगा सिंह चौक पर किसानों का बहुत बड़ा कट रखा है, उस कट में हमेशा 41 जीबी के किसानों की भागीदारी रहती है। हमारे जल उपयोगता संगम के अध्यक्ष साथी भी खड़े हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा जितने इनके अधीन गांव हैं उन गांवों के अंदर ये संपर्क करवाएं गरु घर के अंदर आवाज लगा के, और 13 तारीख 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर अपने को गंगानगर पहुंचना है। यही आप सबसे विनती करने के लिए हम आए थे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। दूसरी बड़ी खबर भी विजयनगर से आ रही है। विजयनगर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं सड़कों पर अतिक्रमण। ग्राम पंचायत में प्रशासन की लापरवाही से बढ़ रहे हैं अतिक्रमण। जागरूक ग्रामीणों ने 10 दिन पूर्व जताई अतिक्रमण की आशंका। श्री विजयनगर के 10 BLM बिलोचिया में सड़क पर अतिक्रमण का मामला। रामदेव मंदिर से भैरूजी मंदिर होते हुए गांव की मुख्य सड़क पर हुए स्थायी अतिक्रमण। ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते सड़कों पर हो रहे हैं मकान निर्माण। कुछ जागरूक ग्रामीण जता रहे हैं आशंका। PM आवास योजना के तहत माकन से होने जा रहा है अतिक्रमण। सड़क पर अतिक्रमण की आशंकाओं को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा था पहले ही ज्ञापन, फिर भी सड़क के बीचों बीच मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू। प्रशासन में ग्राम पंचायत बने मूक दर्शक।